अस्सलामुअलैकुम। सेफ सिटी टीवी के साथ मैं हूँ सिदरात। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आईजी पंजाब राव सरदार अली खान का चिन्यौट में ज्यादती के बाद कमसिन बच्ची के कत्ल का नोटिस। डीपीओ चिन्यौट ने वाकये की इब्तदाई रिपोर्ट पेश कर दी। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे, जबकि मुतअद्दिद मुश्तबा अफराद का डीएनए टेस्ट किया जा चुका है। पुलिस बहुत जल्द मुलजिम को गिरफ्तार करके केस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएगी। शहर में निकासी आपके लिए पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी और वासा की मुश्तरका हिकमत अमली। सेफ सिटीज कैमरों की मदद से पानी खड़ा होने, खुले गटर और बंद नालों की निशानदेही की गई। सेफ सिटीज के कैमरों से खड़े पानी की तस्वीर की वासा को फराहमी। पुलिस के जवान भी दिन भर पानी में फंसे शहरियों की इमदाद करते रहे। सेफ सिटीज अथॉरिटी तमाम मुतलिका इदारों को हर मुमकिन तआवुन फराहम किए हुए है। 15 के कॉल पर पुलिस कम्युनिकेशन ऑफिसर ने खवातीन को हरासा करने वाला ओबाश गिरफ्तार करवा दिया। पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी की जानिब से कार्रवाई के लिए डॉल्फिन स्क्वाड को भिजवाया गया। मुलजिम खातून से रोजाना नाजेबा गुफ्तगू और हरासा करता था। एसपी डॉल्फिन राशिद हदायत का कहना है कि खवातीन किसी भी नाखुशगवार वाकये की 15 पर फौरी इतला करें। जिना अस्पताल लाहौर से मिलने वाली 3 साल अब्रीश बाहिफाजत वालिद के सुपुर्द। पुलिस को नन्ही अब्रीश एमरजेंसी से लावारिस मिली थी। बच्ची के वालदेन की तलाश के लिए पुलिस ने खसूसी टीम तश्कील दी। वालदेन की तलाश के लिए सोशल मीडिया समेत सीसीटीवी कैमरों और दीगर तमाम जराये से मदद ली गई। बेटी की बाहिफाजत वापसी पर वालिद ने पुलिस का शुक्रिया अदा किया और दुआएं दी। डीआईजी ऑपरेशंस कैप्टन रिटायर्ड सुहेल चौधरी की थाना शफीकाबाद में दरखास्त गुजारों से मुलाकात। साइलीन के मसाइल के हल के लिए अहकाम जारी। डीआईजी ऑपरेशंस सुहेल चौधरी का कहना है कि शहरी मसाइल हल ना होने की सूरत में सुनवाई के लिए बराह रास्त मेरे दफ्तर में तशरीफ ला सकते हैं। अवाम उन्नास के मसाइल के हल के लिए हमारे दरवाजे हर वक्त खुले हैं। डीआईजी ऑपरेशन सुहेल चौधरी का रात के शहर के दाखिली और खारजी नाकों समेत दीगर मुकामात का दौरा। डीआईजी ऑपरेशंस ने ठोकर न्यास पे एक ईएमई सोसाइटी रायवंड समेत दीगर नाकों की चेकिंग की। इस मौके पर ड्यूटी पर तैनात जवानों को ऑन जॉब ब्रीफिंग दी गई। अलर्ट ड्यूटी देने वाले अहलकारों को शाबाश। एसएसपी ऑपरेशंस वकार शुएब कुरैशी का थाना पुरानी अनारकली का दौरा। थाने के फ्रंट डेस्क रिपोर्टिंग रूम समेत मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना किया गया। एसएचओ की एसएसपी ऑपरेशंस को थाने की वर्किंग बारे ब्रीफिंग। एसएसपी ऑपरेशंस का कहना था कि हर शहरी वीवीआईपी है, बिला तफरीक मसाइल हल किए जाएँ। हरासगी की वाकियात पर फौरी मुकदमात का इंदराज किया जाएगा। लाहौर इन्वेस्टिगेशन पुलिस निस्तर कॉलोनी की कार्रवाई। मुखबिर 17 साल सोबिया और 16 साल आयशा बाहिफाजत बाजियाब। मुलजिमान गिरफ्तार। गिरफ्तार मुलजिमान लड़कियों को वरगरा कर अपने साथ ले गए थे। लड़कियों की बाजियाबी के लिए कसूर पतोकी और लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में छापे मारे गए। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन निस्तर कॉलोनी मोहम्मद शर्जील अवान ने टीम के हमरा कार्रवाई की। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन शारिक जमाल का थाना हरबंसपुरा का अचानक दौरा। उन्होंने नामुकम्मल रिकॉर्ड को 3 दिन के अंदर मुकम्मल करने का हुक्म दिया। कत्ल, इकदामे कत्ल और संगीन मुकदमात की मिसल जात का जायजा लिया गया। उन्होंने अमले को संगीन मुकदमात के मुलजिमान को जल्द गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। एसएचओ और इंचार्ज थाना हरबंसपुरा को इंतजाम मजीद बेहतर बनाने की हिदायत। थाना एयरपोर्ट रावलपिंडी पुलिस की कार्रवाई। ट्रांसजेंडर्स पर तशद्दुद करने और धमकियां देने वाले अफराद साथियों समेत गिरफ्तार। पुलिस ने कुल 38 मुलजिमान को गिरफ्तार करके मुकदमात का इंदराज कर लिया। सीपीओ रावलपिंडी मोहम्मद एहसन यूनस का कहना है कि ट्रांसजेंडर्स पर तशद्दुद काबिले बर्दाश्त नहीं। मुआशरे के कमजोर और महरूम तबकात का तहफ्फुज़ अव्वलीन तरजीह है। रावलपिंडी पुलिस ने ट्रांसजेंडर्स के हकूक के तहफ्फुज़ और कानूनी मदद के लिए तहफ्फुज़ रिपोर्टिंग सेंटर और खिदमत मरकज भी कायम किया। ये थी अब तक की हेडलाइंस। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए psea.media और सोशल मीडिया पेजेस।